हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड इस समय हम पढ़ रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है इशू ऑफ बोनस शेयर। एंड इस पे आज मेरा दूसरा लेक्चर वीडियो है। एक लेक्चर वीडियो मैं इस टॉपिक पे पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ एंड दिस इज माई सेकेंड लेक्चर वीडियो। तो चलिए एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ कि जो पिछला लेक्चर वीडियो था उसमें हमने क्या क्या टॉपिक कवर किए थे एंड आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे। तो ये जो चैप्टर है इशू ऑफ बोनस शेयर, इस चैप्टर में मैं आपको बहुत डिटेल में बता चुकी हूँ अबाउट द मीनिंग। ये बोनस शेयर क्या होता है ये हम समझ चुके हैं। कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट वो समझा है। कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट कितने टाइप का होता है तो ये भी मैंने आपको बताया था। कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट दो टाइप का होता है, एक होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट विद इशूइंग द बोनस शेयर एंड एक होता है विदाउट इशूइंग द बोनस शेयर। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हमने समझा। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जब कंपनी बोनस शेयर इशू करती है तो कुछ गाइडलाइन है, सेबी ने कुछ गाइडलाइन दी है जो कंपनी को फॉलो करने होते हैं, तो वो भी हमने समझा। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ इशूइंग बोनस शेयर। जब कंपनी बोनस शेयर इशू करती है तो इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या इफेक्ट है, बेसिकली वो हमने डिस्कस किया है। उसके बाद मैंने आपको बताया था व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इशूइंग बोनस शेयर, यानी जब कंपनी बोनस शेयर इशू करती है तो कंपनी का सोर्स क्या है, यानी कंपनी किन अकाउंट को यूज करके बोनस शेयर इशू करती है। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक हम डिटेल में पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं एंड आज हम इसके आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज जर्नल एंट्री, दैट इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर इशूइंग ऑफ बोनस शेयर। जब कंपनी बोनस शेयर इशू करती है तो जर्नल एंट्री क्या होती है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, ये आज के लेक्चर में समझेंगे एंड इसी पे बेस एक क्वेश्चन आज के लेक्चर में हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, जल्दी से हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो बोनस शेयर तो मैं पिछले लेक्चर में बता चुकी हूं ना, बोनस शेयर समझ में आ गया था। बोनस मतलब कुछ एडिशनल, तो यहां पे बोनस शेयर है इसका मतलब कुछ एडिशनल शेयर जो कंपनी देती है किसको, अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, और उसके बदले में जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उन्हें कुछ भी एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत नहीं होती है। एंड बोनस शेयर जो होता है वो एक रेशियो में मिलता है, जैसे आपके पास जितने नंबर ऑफ शेयर होंगे, अगर आप उस कंपनी के शेयर होल्डर हैं एंड कंपनी ने बोनस डिक्लेयर किया है, बोनस शेयर डिक्लेयर किए हैं, तो आपके पास जितने नंबर ऑफ शेयर होंगे उसके एक प्रॉपर प्रपोर्शन में आपको बोनस शेयर दिए जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज बोनस शेयर, ये मैं बता चुकी हूँ पिछले लेक्चर में। फिर उसके बाद ये एक्चुअली दो टॉपिक बस मैं रिवाइज करा रही हूँ आपको, क्योंकि इसका यूज आएगा अभी जब हम ये जो है ना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका यूज आएगा अभी जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो। ठीक, एंड जर्नल एंट्री में भी, इसलिए जरा सोर्सेज एक बार फिर से देख लेते हैं। तो मैंने बताया था व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इशू ऑफ बोनस शेयर, तो ये छह इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं, जिसमें सबसे पहला है CRR अकाउंट, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, नेक्स्ट है SP सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, और ये सब क्या होते हैं ये पिछले लेक्चर में बता दिया था मैंने। ठीक है, तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ठीक, उसके बाद कैपिटल रिजर्व है, जनरल रिजर्व है, बैलेंस ऑफ PL अकाउंट या एनी अदर रिजर्व जो एक्युमुलेट हुआ है आउट ऑफ प्रॉफिट। ठीक, ये तो मैंने ये बताया था। फिर इसके साथ ही मैंने दो इंपॉर्टेंट बातें बताई थी इस स्लाइड पे, क्या बताया था, सबसे पहली बात मैंने ये बताई थी कि ये जो सीक्वेंस है दैट इज इंपॉर्टेंट, यानी कंपनी जब बोनस शेयर इशू करेगी तो पहले कौन सा अकाउंट यूज करेगी, CRR, दूसरा कौन सा अकाउंट यूज करेगी, सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, तो यानी ये सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, पहली बात ये बताई थी। दूसरी बात मैंने क्या बताई थी कि जब कंपनी बोनस शेयर इशू कर रही है तो ये सीक्वेंस यूज करेगी, बट कंपनी अगर पार्शली पेड अप शेयर को फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट कर रही है तो ये दो अकाउंट कंपनी नहीं यूज करती है। ये दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैंने बताई थी ना, कंपनी देखिए मैंने लिखा है CRR एंड SP कैन बी यूज ओनली फॉर इशूइंग बोनस शेयर, पार्शली पेड अप शेयर को फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करने के लिए ये दो अकाउंट नहीं यूज होते हैं। ठीक है, तो अगर कंपनी पार्शली, कंपनी अगर अपने प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर रही है बाय मेकिंग पार्शली पेड अप शेयर इनटू फुल्ली पेड अप, पार्शली पेड अप को फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करके कंपनी अगर अपने प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर रही है तो उस केस में ये दो अकाउंट नहीं यूज होंगे। ठीक है, कंपनी इन अकाउंट को यूज करेगी। ठीक, तो ये दो बात खास थी इसलिए मैंने फिर से आपको रिवाइज करा दिया। अब हम करते हैं जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री सबसे पहले हम करते हैं जर्नल एंट्री फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर। जब कंपनी बोनस शेयर इशू करती है या कह लीजिए प्रॉफिट को कैपिटलाइज करती है बाय इशूइंग द बोनस शेयर तो क्या जर्नल एंट्री होती है। ठीक, अच्छा एक चीज मैंने बताया था ना, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट ये दो तरीके का होता है, एक होता है बाय इशूइंग द बोनस शेयर, इशूइंग द बोनस शेयर,
और एक होता है विदाउट इशूइंग द बोनस शेयर, दो बताया था ना, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। तो हम पहले एंट्री करते हैं इशूइंग बोनस शेयर, यानी जब कंपनी अपने प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर रही है बाई इशूइंग द बोनस शेयर। तो इसकी जो है दो सिंपल सी जर्नल एंट्री है, ठीक। एंड कंपनी जब बिना बोनस शेयर इशू किए, बेसिकली पार्शियली पेड अप शेयर को जब फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करती है, कंपनी बोनस कैसे देती है, पार्शियली पेड अप को फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करके अगर बोनस डिक्लेयर कर रही है, तो उस केस में तीन बेसिक जर्नल एंट्री है, ठीक। और ये चीज अगर ना समझ में आए तो पिछले लेक्चर वीडियो में मैंने बहुत डिटेल में बताया है। तो इस केस में दो जर्नल एंट्री होती है, इस केस में तीन जर्नल एंट्री होती है, ठीक है। तो चलिए उसकी जर्नल एंट्री देखते हैं। और अभी जो मैं क्वेश्चन कराने जा रही हूं ना, वो क्वेश्चन काफी अच्छा है, क्योंकि वो उस क्वेश्चन में दोनों केस है। देखिए, या तो केस ये रहता है या केस ये रहता है, बट मैं जो आज आपको क्वेश्चन कराऊंगी ना, वो काफी अच्छा क्वेश्चन है, उसमें दोनों केस होंगे। यानी कंपनी बोनस शेयर भी इशू कर रही है एंड कंपनी पार्शियली पेड अप को फुल्ली पेड अप में भी कन्वर्ट कर रही है, तो इसमें सारी ही एंट्री होंगी, ठीक है। तो चलिए करना शुरू करते हैं जर्नल एंट्री। तो कंपनी जब बोनस शेयर इशू करती है तो क्या एंट्री होती है, तो सिंपल सी दो जर्नल एंट्री होती है। कौन कौन सी एंट्री होती है, सबसे पहला है जब कंपनी डिक्लेयर करती है बोनस शेयर। पहली एंट्री क्या है, जब कंपनी बोनस शेयर डिक्लेयर करती है, तो एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, जब कंपनी ने बोनस शेयर डिक्लेयर किए, ठीक है। तो मैंने बताया था ना सोर्सेस क्या होंगे, जब कंपनी बोनस शेयर डिक्लेयर करती है तो कंपनी के सोर्सेस क्या होंगे, यानी कौन कौन से अकाउंट कंपनी यूज करेगी। तो बताया था ना सीआरआर अकाउंट, एसपी अकाउंट, कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, तो वही है। तो सीआरआर अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, इन अकाउंट को करेंगे डेबिट। और कौन सा अकाउंट होगा क्रेडिट, तो उसके लिए हम खोलेंगे एक टेम्परेरी अकाउंट। इस टेम्परेरी अकाउंट का नाम क्या होगा, टू बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट, ठीक है। तो इन अकाउंट से पैसा कहां यहां ट्रांसफर होगा, यहां पे, ठीक है, इस अकाउंट से इसमें जाएगा। तो एंट्री क्या होगी, जब कंपनी बोनस डिक्लेयर करती है तब एंट्री क्या होगी, सीआरआर अकाउंट डेबिट, एसपी अकाउंट डेबिट, सीआर अकाउंट डेबिट, जीआर अकाउंट डेबिट, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, टू बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट, ठीक है। एंड दिस इज अ टेम्परेरी अकाउंट, ये एक टेम्परेरी अकाउंट खुला है, ठीक। तो ये पहली एंट्री होगी। फिर दूसरी एंट्री होगी जब फाइनली कंपनी बोनस शेयर इशू कर देती है। दूसरी एंट्री किस चीज की है, जब कंपनी फाइनली बोनस शेयर इशू कर देती है, जब इशू करती है तो क्या होगा, यहाँ पे ये अकाउंट क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है, तो इसको कर देंगे डेबिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, सिंपल सा है, ठीक। ये बात समझ में आई, यहाँ पे जो अकाउंट क्रेडिट हुआ है, क्योंकि एक टेम्पररी अकाउंट हमने खोला था, तो यहाँ पे जो अकाउंट क्रेडिट हुआ है, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हुआ है, तो इसको कर देंगे यहाँ पे डेबिट, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट। तो ये दोनों अकाउंट कैंसिल आउट हो गया और फाइनली इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कंपनी ने शेयर इशू कर दिए, बोनस शेयर इशू कर दिए। बोनस शेयर इशू करेंगे तो कैपिटल कंपनी का बढ़ेगा ना, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया, ठीक है। तो ये सिंपल सी दो बेसिक जर्नल एंट्री होती है जब कंपनी बोनस शेयर इशू करती है, समझ में आ गया। पहली एंट्री क्या है, सीआरआर अकाउंट डेबिट, एसपी अकाउंट, जीआर एंड सीआर एंड पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, इन सबको डेबिट करेंगे और पैसा कहां जाएगा, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट। और अगला क्या होगा, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर इशू हो गए, ठीक है। और क्योंकि कैपिटल बढ़ रहा है इसलिए इसे किया है हमने क्रेडिट। और ये एक टेम्परेरी अकाउंट है, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट एक टेम्परेरी अकाउंट है, यहाँ पे किया है क्रेडिट, तो यहाँ करेंगे डेबिट और ये हो जाएगा कैंसिल आउट, ठीक। तो ये सिंपल सी दो बेसिक जर्नल एंट्री होती है जब कंपनी बोनस शेयर इशू करती है। तो ये हो गया केस वन। अगला क्या है, जर्नल एंट्री देखते हैं, जब कंपनी बोनस जो है उसको यूटिलाइज करती है फॉर मेकिंग, क्या बताया था, फॉर मेकिंग पार्शियली पेड शेयर इनटू फुल्ली पेड अप शेयर, यानी पार्शियली पेड अप को फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करने के लिए जब बोनस को यूटिलाइज करती है, तो उस केस में जर्नल एंट्री क्या होती है, तो उस केस में तीन बेसिक जर्नल एंट्री होती है, ठीक। कौन कौन सी एंट्री होती है, सबसे पहले तो देखिए, कंपनी ने पार्शियली पेड अप शेयर है, ठीक है, पार्शियली पेड अप शेयर है, यानी फाइनल कॉल कंपनी ने अभी मंगाई नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहली एंट्री क्या होगी, पार्शियली पेड अप मतलब समझ रहे हैं ना, 10 रुपए की फेस वैल्यू है, कंपनी ने केवल 8 रुपए ही कॉल किए, अभी 2 रुपए कंपनी ने मंगाए नहीं है, तो वो शेयर क्या होंगे, पार्शियली पेड अप होंगे, ठीक। तो उस केस में जनरल एंट्री क्या होगी, सबसे पहले तो एंट्री होगी फॉर कॉल इज ड्यू, जो फाइनल कॉल है वो ड्यू है ना अभी, तो उसकी सबसे पहले जर्नल एंट्री होगी। और ये वही बेसिक जर्नल एंट्री है जो आपने शेयर इशू के टाइम पढ़ी है, ठीक है। फाइनल कॉल ड्यू होती थी तो एंट्री क्या होती थी,
शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यही होती थी ना जब कोई भी कॉल फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल थर्ड कॉल ड्यू होती थी तो यही होती थी ना एंट्री। तो यहाँ पे फाइनल कॉल ड्यू है तो एंट्री क्या होगी, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक, तो पहली एंट्री ये हो गई। दूसरी एंट्री क्या होगी, दूसरी एंट्री एकदम सेम वही केस होगा जो अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था। दूसरी एंट्री किस चीज की होगी, ऑन डिक्लेरेशन ऑफ बोनस फॉर कॉल, यानी जब कंपनी डिक्लेयर करती है बोनस कि बोनस को यूटिलाइज कंपनी करेगी फॉर मेकिंग पार्शियली पेड अप इनटू फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करने के लिए यूज करेगी, जब कंपनी ये डिक्लेयर करती है तब क्या एंट्री होगी। तो उस केस में मैंने आपको बताया था, ये पिछली स्लाइड है, मैंने आपको बताया था, देखिए ये पांच अकाउंट थे ठीक है, मैंने आपको बताया था पार्शियली पेड अप को फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करने के लिए इन दो अकाउंट को नहीं यूज किया जाता है, इन दो रिजर्व को नहीं यूज किया जाता है, मैंने बताया था ना। तो फिर यानी बच्चे कौन से अकाउंट, बच्चे कौन से, ये तीनों बच्चे, तो वही यहाँ पे होंगे। तो जब कंपनी पार्शियली पेड अप को फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करती है यूजिंग बोनस, तो उस केस में एंट्री क्या होगी, कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट। ठीक, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट क्या है, ये एक टेम्परेरी अकाउंट है जो खोला गया है। ठीक है, तो समझ में आ गया, जब कंपनी बोनस डिक्लेयर करती है कि वो कॉल जो फाइनल कॉल है उससे बोनस को फाइनल कॉल में यूज करेगी तो क्या होता है, तो कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व एंड पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का पैसा इसमें जाएगा, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट में जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे सीआरआर अकाउंट एंड एसपी अकाउंट नहीं यूज होगा। ठीक है, ये हमने गाइडलाइन में भी देखा था ना, तो ये नहीं यूज होगा। ठीक, ये हो गए दो एंट्री। तीसरी एंट्री क्या है, फाइनली अब उस पैसे को एडजस्ट किया जाएगा, फॉर एडजस्टमेंट ऑफ बोनस अमाउंट अगेंस्ट कॉल। अब फाइनल एंट्री किस चीज की होगी, जो बोनस का जो अमाउंट था वो अब कॉल में एडजस्ट किया जाएगा। ठीक है, यही एंट्री होगी ना, यहाँ पे कोई बोनस शेयर तो इशू हो नहीं रहे। देखिए पिछला जो केस था वहां पे बोनस शेयर इशू हो रहे थे, तो फिर क्या हुआ था, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट हो रहा था, कैपिटल बढ़ रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई बोनस शेयर तो इशू हो नहीं रहे, तो उस केस में एंट्री क्या हो जाएगी, उस केस में एंट्री हो जाएगी बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक, ये बात समझ में आई, यहाँ पे कोई शेयर तो इशू हो नहीं रहे हैं तो वो पैसा कहाँ एडजस्ट हो रहा है, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल में गया। ठीक है, एंड शेयर होल्डर अकाउंट, ये जो बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट, ये टेम्परेरी अकाउंट है, वहां पे क्रेडिट था तो यहाँ पे डेबिट है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपने देखा ये सारा पैसा फाइनली कहाँ गया, शेयर फाइनल कॉल, जो ड्यू थी ना वो अब पैसा आ गया। ठीक है, तो ये सिंपल सी एंट्री होती है, समझ में आ गया। अगर कंपनी बोनस शेयर इशू कर रही है तो दो एंट्रीज हैं, अगर कंपनी बोनस अमाउंट जो है उसको यूज कर रही है पार्शियली पेड अप शेयर को फुल्ली पेड अप पे कन्वर्ट करने के लिए, तब कितनी एंट्री है, तीन एंट्री है। तो ये सिंपल सी पांच जनरल एंट्री होती है बोनस के केस में, शेयर बोनस जो है इशू किया जाता है उसके केस में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं कराने वाली हूँ एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन काफी अच्छा है। क्वेश्चन क्या है, एक्स लिमिटेड, एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, हैज पेड अप कैपिटल ऑफ 4 लाख, ये कंपनी है, इसका पेड अप कैपिटल कितने का है, 4 लाख का। ठीक है, पेड अप कैपिटल यानी इतना पैसा आ चुका है, शेयर का इतना पैसा आ चुका है, पेड अप है। ठीक है, 4 लाख, जिसमें एक शेयर की प्राइस क्या थी, 10 रुपए, जिसमें 8 रुपए पेड अप है। ठीक है, 10 रुपए फेस वैल्यू थी, जिसमें 8 रुपए आ चुके हैं, 2 रुपए नहीं आए, यानी पार्शियली पेड अप शेयर है। ठीक, इट हैज बैलेंस इन जनरल रिजर्व 2 लाख, अब ये जो कंपनी है इसके जनरल रिजर्व में बैलेंस कितना है, 2 लाख का, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में कितना है, 4 लाख, सीआरआर अकाउंट कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में कितना है, 1 लाख। ठीक, इफ आगे क्या कह रहा है कि इट कैपिटलाइज इट्स रिजर्व टू मेक द शेयर फुल्ली पेड अप, यानी इसने अपने रिजर्व को कैपिटलाइज किया, यानी रिजर्व को कन्वर्ट किया, ट्रांसफॉर्म किया, किस लिए, शेयर्स को फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करने के लिए। एंड फिर उसके बाद फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट हो गए, उसके बाद कंपनी ने बोनस शेयर इशू किया 1:2 के रेशियो में। ठीक, तो आपको करनी है जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ कंपनी, ये बात समझ में आ गई, क्वेश्चन समझ में आया। सबसे पहले तो ये पार्शियली पेड अप शेयर है, 4 लाख का पेड अप कैपिटल है कंपनी का, पार्शियली पेड अप शेयर है, तो कंपनी ने सबसे पहले जो बोनस डिक्लेयर किया तो कंपनी ने सबसे पहले पार्शियली पेड अप को फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट किया, और उसके बाद कंपनी ने बोनस इशू किया, बोनस शेयर इशू किया 1:2 के रेशियो में। तो आपको करनी है जर्नल एंट्री, ये सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए करना शुरू करें। बट ये क्वेश्चन करने से पहले ना थोड़ा सा मैं बताना चाहती हूँ, ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख मतलब मार्च 2024 तक अपने फर्स्ट चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास एंड सेकंड चैनल पूजा सिंह के नाम पे, मेरा सेकंड चैनल है,
दोनों पे अपलोड कर चुकी हूं, ठीक है। बट एक बात और है कि ये अभी तक है, मार्च 2024 तक। अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद देख रहे हैं तो होपफुली मैं इसमें काफी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी। ये अभी तक है तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा, मेरे दोनों चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एंड लेक्चर यूजफुल लगे तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा, एंड कमेंट करके भी मुझे बताइएगा कि हाउ वॉज दिस लेक्चर, ये लेक्चर कैसा था, आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। एंड मुझे थोड़ा सा ये भी बताया करिए कि आप किस यूनिवर्सिटी के हैं, किस सिटी के हैं, किस स्टेट के हैं, थोड़ा सा बताएंगे तो मुझे आइडिया लगेगा कि मतलब मेरे स्टूडेंट कहाँ कहाँ के हैं, और थोड़ा सा मैं मुझे पता चलेगा कि किस यूनिवर्सिटीज के मैक्सिमम स्टूडेंट हैं, तो मैं उसके अकॉर्डिंग अपना कोर्स प्लान कर पाऊंगी आगे का, ठीक है। एंड लेक्चर अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर किया करिए। एंड अगर मेरे चैनल पे जो अपलोडेड वीडियोस हैं उनके नोट्स चाहिए, देन यू कैन डाउनलोड माय एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। आप गूगल प्ले स्टोर से मेरी एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, एंड इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहां पे भी मैं चैनल से रिलेटेड अपडेट डालती रहती हूँ, राइट। तो चलिए क्वेश्चन करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन तो याद है ना, पेड अप कैपिटल था इतना, 10 रुपए पर शेयर की फेस वैल्यू, 8 रुपए आ चुके थे, जनरल रिजर्व में था 2 लाख, एक सेकेंड, जनरल रिजर्व में है 2 लाख, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में है 4 लाख, CRR अकाउंट में है 1 लाख। कंपनी जो है रिजर्व को कैपिटलाइज कर रही है, यानी जनरल रिजर्व के पैसे को यूज कर रही है फॉर मेकिंग द शेयर फुल्ली पेड अप, फुल्ली पेड अप करने के लिए, और उसके बाद कंपनी बोनस शेयर इशू कर रही है 1:2 के रेशियो में, तो आपको करनी है जर्नल एंट्री, ठीक। क्वेश्चन समझ में आ गया, चलिए अब हम करते हैं जर्नल एंट्री। बट ये जर्नल एंट्री करने के लिए हमारे पास क्या सारी इंफॉर्मेशन है? देखिए, एक तो मुझे चाहिए कि कंपनी जो पार्शली पेड अप को फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट कर रही है, कंपनी पार्शली, देखो हमें जर्नल एंट्री तो पता है, अभी जो मैंने 5 जर्नल एंट्री कराई है ना, वही जर्नल एंट्री यहां करनी है, तो कोई अनोखी बात नहीं है, आप बहुत आसानी से कर लेंगे। लेकिन उन जर्नल एंट्री में अमाउंट क्या डालेंगे, दिस इज इंपॉर्टेंट, वो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो पहली चीज तो मुझे ये चाहिए कि कंपनी जब पार्शली पेड अप को फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट कर रही है तो कितना अमाउंट लग रहा है, एक ये चाहिए। दूसरा ये है कि कंपनी जब बोनस शेयर इशू कर रही है, क्या अमाउंट कह लीजिए चाहिए, तब कितने तब जो कैपिटलाइज कर रही है कंपनी अपने रिजर्व को, तो वो क्या अमाउंट है। तो बेसिकली अमाउंट हमें चाहिए, तो बोनस शेयर इशू करते समय क्या अमाउंट लग रहा है, और जब कंपनी पार्शली पेड अप को फुल्ली पेड अप में कर रही है तब कितना अमाउंट। तो ये दोनों अमाउंट की जरूरत है, क्योंकि यही तो हमें जर्नल एंट्री में फिल करना है, वरना एंट्री तो सिंपल सी है, ठीक। और कुछ बातों का ध्यान रखना है, वो भी आपको बताऊंगी। तो पहले हम अमाउंट निकाल लेते हैं वर्किंग नोट में, पहले हम ये अमाउंट निकाल लेते हैं और जिन बातों का हमें ध्यान रखना है वो देख लेते हैं, उसके बाद हम करते हैं जर्नल एंट्री, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं अमाउंट जो चाहिए फुल्ली पेड पार्शली पेड अप को फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक। तो क्वेश्चन में बताया गया है कि कंपनी का पेड अप कैपिटल कितना है, कंपनी का पेड अप कैपिटल है 4 लाख का, पेड अप कैपिटल यानी जिन पे पैसा आ चुका है, ठीक, 4 लाख। और पर शेयर पे कितना पैसा आया है, 8 रुपए आया है। तो अगर मैं 4 लाख को 8 से डिवाइड करूं तो नंबर ऑफ शेयर निकल आएंगे। देखिए ये क्या है, पेड अप कैपिटल, कंपनी का पेड अप कैपिटल यानी पूरा जो शेयर है उनपे इतना पैसा आया है, और एक शेयर पे कितना आया है, एक शेयर पे 8 रुपए आया है। तो अगर मैं 4 लाख को 8 से डिवाइड करूं तो मेरा निकल आएगा ना नंबर ऑफ शेयर, तो जब मैंने इसको डिवाइड किया मेरा आया 50,000। यानी यहाँ पे जो कंपनी ने कितने इशू किए हैं, नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, कंपनी ने पहले कितने इशू किए थे, नंबर ऑफ शेयर इज 50,000, कंपनी के शेयर कितने हैं 50,000। अब एक बात बताइए कितना पैसा नहीं आया है, तो 10 रुपए का शेयर था, 8 रुपए आ चुका है, 2 रुपए अभी बाकी थे, कंपनी ने नहीं मंगाए थे। तो यानी पार्शली पेड अप को फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करने के लिए कंपनी को 2 रुपए पर शेयर क्या करना पड़ेगा, पैसा चाहिए ना 2 रुपए पर शेयर। तो 50,000 शेयर है और 2 रुपए पर शेयर आने थे, तो 50,000 मल्टीप्लाइड बाई 2 रुपए पर शेयर, तो कितना हो गया 1 लाख, कितना हो गया 1 लाख। यानी पार्शली पेड अप को फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करने के लिए कंपनी को कितना चाहिए, 1 लाख चाहिए, ठीक। मैंने कहा था ना इसकी जरूरत है, हमें पता करना है ना पार्शली पेड अप को फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करने के लिए कितना चाहिए, तो ये चाहिए 1 लाख। ये निकल के आया, समझ में आया ना कैसे निकल के आया, एक बार रिमाइंड कर लीजिएगा, अगर नहीं समझ में आया दोबारा देख लीजिएगा, ठीक। ये एक चीज निकल गई, ये काम की चीज है, पहला हो गया। दूसरा क्या है, कंपनी जब बोनस शेयर इशू करेगी तो उसे कितना अमाउंट चाहिए। तो देखिए बोनस शेयर, हमें नंबर ऑफ शेयर निकल के आ गया 50,000, 50,000 क्या है, नंबर ऑफ शेयर है। फिर कंपनी ने क्या कहा है कि रेशियो क्या है, 1:2। बेसिकली 1:2 का मतलब क्या है कि जिनके पास 2 शेयर है उनको 1 शेयर मिलेंगे,
तो यानी 50,000 शेयर है तो यानी 25,000 बोनस शेयर और इशू होने हैं। ये बात समझ में आई? किस रेशियो में कंपनी दे रही है बोनस? 1:2 के रेशियो में दे रही है, मतलब आपके पास 2 शेयर है तो आपको 1 मिलेगा, आपके पास 10 शेयर है तो आपको 5 मिलेगा। तो अगर आपके पास 50,000, वैसे ये 50,000 डिफरेंट शेयर होल्डर के पास होंगे, पर 50,000 शेयर है तो यानी 25,000 शेयर बोनस शेयर इशू होंगे। तो 25,000 बोनस शेयर, ठीक है, और एक शेयर की वैल्यू क्या है, एक शेयर का फेस वैल्यू क्या है, 10 रुपए। तो 25,000 मल्टीप्लाइड बाई 10 यानी 2.5 लाख, यानी बोनस शेयर इशू करने के लिए कंपनी को कितना चाहिए, 2.5 लाख, और पार्शियली पेडअप को फुल्ली पेडअप में कन्वर्ट करने के लिए कितना चाहिए, 1 लाख। ठीक, तो ये दो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए थी जो हमने निकाल ली है। ये दोनों समझ में आए कैसे निकला? तो ये निकाल लिया हमने। अब इसके बाद दो इंपॉर्टेंट बात है जिसे ध्यान में रखना है। पहला, मैंने बताया था सिक्योरिटी प्रीमियम एंड CRR अकाउंट को नहीं यूज किया जाता है पार्शियली पेडअप को फुल्ली पेडअप में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये जो ये CRR अकाउंट का जो पैसा है यानी 1 लाख, सिक्योरिटी प्रीमियम का जो पैसा है 4 लाख, ये नहीं यूज किया जाएगा पार्शियली पेडअप को फुल्ली पेडअप में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक, पहली बात ये ध्यान में रखनी है। दूसरी बात है, जब बोनस शेयर कंपनी इशू करेगी, तो मैंने बताया था ना सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या है, बोनस शेयर इशू करने के लिए कंपनी पहले CRR अकाउंट यूज करेगी, उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट यूज करेगी। ठीक है, तो ये दो बातों का, इन चार बातों का ध्यान रखना है। तो चलिए करने शुरू करें जर्नल एंट्री। पहली एंट्री, जर्नल एंट्री मैंने बताया ना सिंपल सी 5 जर्नल एंट्री है। सबसे पहली एंट्री क्या है, सबसे पहली एंट्री है जब कंपनी पार्शियली पेडअप शेयर को फुल्ली पेडअप में जो कन्वर्ट करना है ना कंपनी पार्शियली, देखिए एक तो कंपनी कर रही है पार्शियली पेडअप को फुल्ली पेडअप में कन्वर्ट कर रही है, तो उसकी कितनी एंट्री है, उसकी 3 एंट्री है। और कंपनी जो बोनस शेयर डिक्लेयर, बोनस शेयर इशू कर रही है, उसकी कितनी एंट्री है, 2 है। तो सिंपल सी 5 जर्नल एंट्री होनी है। ठीक है, तो चलिए करना शुरू करते हैं। पहली एंट्री क्या है, फॉर बोनस डिक्लेयर फॉर पार्शियली पेड शेयर टू मेक फुल्ली पेडअप शेयर। पहली एंट्री क्या है, जब कंपनी बोनस डिक्लेयर करती है कि वो पार्शियली पेडअप शेयर को फुल्ली पेडअप में कन्वर्ट करेगी। ठीक, तो जरा बताइए पार्शियली पेडअप को फुल्ली पेडअप में कन्वर्ट करने के लिए कितना अमाउंट चाहिए, बताइए कितना अमाउंट चाहिए। तो देखिए यहाँ पे निकाला था ना हमने 1 लाख, 1 लाख रुपीज चाहिए। और फिर एक बात और है कि कंपनी इस अमाउंट को और इस अमाउंट को नहीं यूज करेगी ना, तो ये 1 लाख रुपीज आएगा कहां से, 1 लाख रुपीज आएगा जनरल रिजर्व से। तो जनरल रिजर्व में क्या सफिशियंट बैलेंस है, हाँ जनरल रिजर्व में देखिए 2 लाख रुपए है, हमें बोनस जो कंपनी ने डिक्लेयर किया है पार्शियली को फुल्ली पेडअप में कन्वर्ट करने के लिए, तो जनरल रिजर्व में है 2 लाख, हमें चाहिए 1 लाख, तो हो जाएगा ना काम हमारा। तो वही एंट्री है पहली, कि बोनस जो डिक्लेयर किया है पार्शियली को फुल्ली में कन्वर्ट करने के लिए, तो इसकी एंट्री क्या होगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। ठीक है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कितना होगा, अमाउंट विल बी 1 लाख। ठीक है ना ये, हाँ ये पहली एंट्री हो गई। ठीक, यहाँ पे 1 लाख क्यों आया पता है ना, कि पार्शियली को फुल्ली पेडअप में कन्वर्ट करने के लिए 1 लाख चाहिए था, और 1 लाख कहाँ से लिया, जनरल रिजर्व से। ठीक, ये होगी पहली एंट्री। दूसरी एंट्री क्या होगी, दूसरी एंट्री होगी ड्यू की। फाइनल कॉल का पैसा ड्यू है ना, फाइनल कॉल का जो पैसा आना था, जो 2 रुपए नहीं आए, 2 रुपए कंपनी ने कॉल नहीं किए, तो उसकी ड्यू की एंट्री अगली है। तो याद है ना एंट्री क्या होती है, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, अमाउंट कितना होगा भाई, 1 लाख रुपए। ठीक है, ये ड्यू की एंट्री हो गई। अगली एंट्री कि कंपनी फाइनल कॉल का जो पैसा है वो एडजस्ट करती है। कंपनी क्या करती है, ये जो शेयर फाइनल कॉल एडजस्टेड टुवर्ड पेमेंट ऑफ बोनस, ये जो कंपनी ने बोनस डिक्लेयर किया है, कंपनी ने ये जो बोनस डिक्लेयर किया है, इसको कंपनी क्या करती है, फाइनल कॉल में एडजस्ट करती है। कंपनी ने ये जो बोनस डिक्लेयर किया है, इसको कंपनी क्या करती है, फाइनल कॉल में एडजस्ट करती है। तो अगली एंट्री यही है ना, तो एंट्री क्या होगी, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, अमाउंट कितना होगा, वही 1 लाख। ठीक, तो ये 3 एंट्री हो गई किस चीज की, पार्शियली पेडअप को फुल्ली पेडअप में कन्वर्ट करने की 3 एंट्री। अगली एंट्री क्या है, अगली एंट्री है बोनस शेयर जो कंपनी इशू कर रही है, शेयर जब कंपनी इशू कर रही है, तो इसकी सिंपल सी 2 एंट्री है। पहली एंट्री क्या होगी, पहली एंट्री है, बताया था ना पहली एंट्री क्या होगी, CRR अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट, PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट, ये मैंने एंट्री बताई थी। लेकिन यहाँ पे कितना चाहिए, बोनस शेयर इशू करने के लिए कंपनी को पैसा कितना चाहिए, 2.5 लाख चाहिए ना, तो 2.5 लाख का काम तो यहीं से हो जा रहा है। CRR अकाउंट में कितना फंड है, CRR अकाउंट में क्वेश्चन देख के बताइए, CRR अकाउंट में कितना फंड है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में कितना फंड है, 1 लाख रुपए है।
चाहिए 2.5 लाख। बोनस शेयर इशू करने के लिए कितना चाहिए? 2.5 लाख चाहिए। सीआरआर अकाउंट में कितना फंड है? 1 लाख। तो 1 लाख यहां से हो गया। सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना है? 4 लाख। लेकिन हम सिक्योरिटी प्रीमियम से कितना लेंगे? 1.5 लाख लेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम से, और सीआरआर अकाउंट से कितना लेंगे? 1 लाख लेंगे। ठीक है, और हो गया हमारा 2.5 लाख। 2.5 लाख के बोनस शेयर इशू होंगे। ठीक है, और एक चीज और है, ऐसा मत करिएगा कि सिक्योरिटी प्रीमियम में 4 लाख है तो 2.5 लाख पूरे यहां से लीजिएगा। इसीलिए मैंने बताया था कि सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। पहले सीआरआर अकाउंट कंज्यूम होगा और उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, तो यानी अब आप समझ गए होंगे, सीआरआर अकाउंट डेबिट कितना करेंगे? 1 लाख है तो 1 लाख यूज होगा। नेक्स्ट है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, इसमें है 4 लाख लेकिन इसका 1.5 लाख ही लेंगे। ठीक है, टू बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट, तो ये हो गया 2.5 लाख। ठीक, और अगली एंट्री क्या है? बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट, वहां पे क्रेडिट हुआ है तो यहाँ पे क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट 2.5 लाख का टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2.5 लाख। ठीक है, ये किसकी एंट्री है? बोनस शेयर इशू करने की एंट्री है। बोनस शेयर इशू किए गए एज फुल्ली पेड अप शेयर। ठीक है, एंड ये किस चीज की एंट्री है? जब कंपनी ने बोनस शेयर डिक्लेयर किए, बोनस शेयर जब डिक्लेयर किए तो ये एंट्री। ठीक है, तो आपने देखा सिंपल सी 5 एंट्रीज हैं, लेकिन उससे पहले ये वर्किंग नोट में अगर आपने ये दोनों अमाउंट सही कैलकुलेट किया ना, तो आप क्वेश्चन कर लेंगे। अगर ये अमाउंट गड़बड़ हो गए तो एंट्री तो सही कर लेंगे, उसमें अमाउंट गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये जरा वर्किंग नोट काफी इंपॉर्टेंट है, आप पहले वर्किंग नोट बनाएंगे उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और मैंने क्वेश्चन काफी अच्छे से समझा दिया है, अगर ना समझ में आए वीडियो को दोबारा रिवाइंड करिएगा और फिर से देखिएगा। राइट, तो चलिए अब मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में। अगले लेक्चर में आपको मैं नया टॉपिक पढ़ाऊंगी, बोनस शेयर में तो कंप्लीटली यही था। ठीक है, और इसी के साथ हमारा बोनस शेयर का जो पूरा टॉपिक है वो फिनिश होता है। अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।